एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर में। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज वैसे मार्केट बंद है, हमारा ऑफिस डर्टी है, अनपेड बिल्स हैं। शाबाश बेटा, तो बिल्स का बड़ा चक्कर है, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। और हाँ, ये आप लोगों ने बताया था कि इससे हम लोग लोन वगैरह ले सकते हैं, बट लोन तो मेरे को लेने की जरूरत है नहीं और ना ही हम लोग लेने वाले, क्योंकि लोन वोन का चक्कर होता है बहुत खराब। अभी हम लोग लोन के चक्कर में फंस गए, हमको नहीं पता कितना इंटरेस्ट रेट होगा, क्या होगा। फिलहाल मेरी गाड़ी थोड़ी डैमेज हो रही है, अभी हमारे पास ना ही कोई गाड़ी है और ना ही हमारे पास पैसा है, सिर्फ $19,000 मेरे पास बचे हुए। लास्ट एपिसोड में शायद मेरे पास $94,000 थे, बट हुआ क्या कि सारे के सारे पैसे चले गए बिल पे करने में। सोच रहे हो तो ये बिल के लिए बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट किए थे कि इसका हो सकता है, किसी ने बोला था कि टो का हो सकता है, और किसी ने ये भी बोला था कि ये उसके हो सकते हैं जो आप गाड़ी बेचते बेचते हो, तो बाहर पार्क करने के भी बोले थे, लेकिन ये बाहर पार्क करने के नहीं है। ये जितना मुझे पता है ये है, हम लोग जो गाड़ी सेल वेल करते हैं ना उसका जो टैक्स है वो है, तो वही सब वही होने वाला है और ये होगा, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये तो हमको पे करना ही पड़ेगा, तो इसको कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोग ना गाड़ी रिपेयर करने में दे रहा हूँ, पहले थोड़ा बहुत डैमेज हो गई थी गाड़ी, उसके बाद मेरे को क्लीन भी करनी है इसको। इस गाड़ी में पता है एक बहुत बड़ी कमी है, इतनी महंगी ये गाड़ी है, देखो अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ, ये देखो लाइट जल रही ना, अच्छे से जल रही, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ आगे की, टेल लाइट तो इसकी बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन हेडलाइट देखो यहाँ पे, ये देखो एल प्रेस कर रहा हूँ, अंदर की लाइट जल रही है, ये देखो कुछ नहीं काम कर रहा, अंदर की लाइट जल रही, तो लाइट क्यों फंक्शनल नहीं है। अभी एक बार मैं इसको ना रिपेयर करा के देखूंगा, पहले इसका इंजन तो बंद कर दूँ, चलो बाहर निकलते हैं। मैंने इसको ऑटो मोड में कर रखा है, यानी कि हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। उसके बाद मैं इसको अभी लेके चल रहा हूँ वहाँ पर ट्यूनिंग कराने के लिए, देखता हूँ कि क्या हम लोग इसको कर सकते हैं, इसका जो लाइट वाइट है फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा सा ही होता है यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा मिलता क्यों नहीं है, ट्रैश मेरे को बेचने को मिलता ही नहीं थोड़ा सा भी। बस ये $20 का इसको दिया हम लोगों ने, अब जाके हम लोग को जो भी स्किल पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम लोग खर्च करने वाले हैं अनदर स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज के बाद आएगा हमारा जो मशीन होती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैंने पहले इन चीज़ों पर खर्च कर लिया, लेकिन वो बहुत काम की चीज़ें थी। देख रहे हो ये सारी बहुत काम की चीज़ें थी, यहाँ तक अब उतनी नहीं है, मतलब वो भी हैं बट थोड़ा मुश्किल है यार, अब 250 XP चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है। फिलहाल यहाँ से गाड़ी को लेकर चल रहे हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि क्या हेडलाइट वगैरह फिक्स हो सकती है इसकी, क्योंकि मुझे लगता है कि फिक्स कर लेनी चाहिए हेडलाइट अगर हो रही है तो। और ये गाड़ी तो यार बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि जो आपके पास मेरे पास माजडा X7 है ना, वो बहुत ही रेयर है और वो सिर्फ ऑक्शन में मिलती है, तो हाँ जो भी रेयर गाड़ियाँ होती है वो सिर्फ हमको ऑक्शन में मिलती है, तो अब से मैं जो भी ऐसा मेरे को लगेगा जैसे उसको हम लोग सेल नहीं करने वाले, ऐसी जो बाकी कार्स में है ना उनको मैं बिल्कुल भी सेल नहीं करने वाला हूँ। और इसका भी मेरे को जो कन्फ्यूजन हो रहा था अभी समझ में आ चुका है कि अभी हमारे पास रेसिंग किट लगी हुई है, अब हम लोगों ने डिफॉल्ट लगा दी और अब हम लोगों ने ड्रिफ्ट लगा ली, तो फिलहाल हम रेसिंग पर रहने देते हैं इसको। और लाइट्स का मेरे को चेक करना है कि क्या चक्कर है, लाइट्स जल क्यों नहीं रही है, एक सेकंड ये काम क्यों नहीं कर रहा लाइट्स वाइट्स का, अब जल रही ना, ओ कुछ तो दिक्कत थी इसमें यार, देखो ये ब्राइटनेस बढ़ रही है लाइट की, ओके ये यहाँ से चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ओके मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ, ओ मुझे लग रहा है एकदम वहाँ था ये तब नहीं जल रही थी लाइट, ठीक है तो हम इसको इतना रख देते हैं, अपडेट कर लेते हैं। अब एक बार चेक करते हैं लाइट्स, क्या अब इसकी लाइट्स चल रही हैं, तो वही मुझे लग रहा है कि या तो मैंने ही इसको डार्क कर दिया होगा या फिर गलती से हो गया होगा। ओके अब एकदम परफेक्ट है, अंदर की भी जल रही है और बाहर की भी, मैं वही सोचूं या तो मुझे लगा कि बग भी हो सकता है, बट बग नहीं हो सकता, सारी लाइट तो जल रही है सारी गाड़ियों की, यही गाड़ी इतनी महंगी वाली इसको ऐसा खराब क्यों बनाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है सब सही है। और एक चीज़ और है, देखो इसमें कलर देखो, जो ये देखो जो इसका जो शीशा है ना, देखो आधा रेड दिख रहा है और आधा एकदम ब्लैक दिख रहा है, तो ये क्या चक्कर है, सारी गाड़ियों में आई थिंक है, सब में ही मैंने नोटिस किया ये सब चीज़। तो अभी चल रहे हैं इस गाड़ी को लेके हम लोग सीधा अपने पार्किंग लॉट में और वहाँ पे इसको लगा देते हैं, क्योंकि आज हम लोग इसी वाली गाड़ी को बेचने वाले हैं, ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ सस्ती गाड़ियाँ भी खरीदने वाला हूँ। चलो इसको लगा लेते हैं, कूड़ा वगैरह फेंक लेते हैं, यहाँ पर कूड़ा वगैरह फेंकना बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई ज़रूरी है। अनपेड बिल्स क्यों दिखा रहा है, अनपेड बिल्स तो है नहीं यार, मतलब मैं अभी पे तो कर चुका हूँ अनपेड बिल्स वगैरह, क्यों दिखा रहा है मेरे को बार बार। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको बिल्स मेरे, मैं सारे पे कर चुका हूँ, 1500 और आ रखे हैं, ये किस चीज़ के है यार, मेरे को डिटेल देखनी थी कि क्यों आ रहा है बिल, किस चीज़ का बिल है। फिलहाल ऑफिस ऑन रहने देते हैं या फिर एक काम करते हैं, अभी बंद करते हैं ऑफिस, हम लोग चल रहे हैं मार्केट में, मार्केट तो आज आई थिंक बंद है, मार्केट बंद है। ऑफिस डर्टी क्यों दिखा रहा है यार, ऑफिस डर्टी दिखा रहा है मेरे को, मेरे को लग रहा है ऐसी बग है। चलिए हम लोग चलते हैं नेबरहुड में और वहाँ से कुछ कार्स देख के आते हैं, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ी सस्ती कार्स बाई करनी है। ये वाली जो गाड़ी है ये तो मुझे नहीं लग रहा कि सस्ती है, ओके तो टोयोटा सुप्रा, ये आई थिंक 50-46 यार, 18 में तो नहीं देगा मेरे को कोई, हालत बहुत ही ख़राब है इसकी, लेकिन 18 में तो नहीं देगा, 18,000 ट्राई करके देख लेते हैं, 500
मुझे नहीं देने वाला कोई, इतने में तो गाड़ी बहुत ही कम है। नो फ्लेक्सिबल तो मैं हो ही नहीं सकता मैं फ्लेक्सिबल। ओके तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं ये गाड़ी अगर हमको मिल जाती है। आई थिंक ये ह्यूंडे सेंट्रा फा कुछ तो है इसका नाम। ये तो बहुत बहुत महंगी गाड़ी है। ये आएगा 18,000 में? नहीं यार, 20,000 कम तो नहीं करेगा ये। तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो गाड़ी लेने का सपना था ना, वो अधूरा रह रहा है अभी। अब मेरे को वो वाली गाड़ी तो बेचनी पड़ेगी। तो यार ये वाली गाड़ी नहीं, अच्छी नहीं लग रही। बहुत ज़्यादा सस्ती गाड़ी लेने का मन भी तो नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि हमको प्रॉफिट नहीं होगा ना उसमें। उसमें हमारे पास ज़्यादा मतलब वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए नहीं है कि हम लोग ना ही उसको ज़्यादा सस्ते में ले सकते और ना ही उसको ज़्यादा महंगे में ले सकते। मेरा कंटेनर वो है क्या उतना पास में हो? हाँ यार बहुत पास में है। चलो अभी देखता हूँ कि मैं इसमें से ये BMW कूप, यार ये भी महंगी गाड़ी है, ये नहीं ले सकते हम लोग। ऊपर से उसने मॉडिफिकेशन वगैरह करा सकता है। ये जहाँ से हम लोगों ने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी इस वाले बिजनेस में, तो ये वही बॉक्स ट्रक है, रशियन बॉक्स डिलीवरी ट्रक है यार ये। ओके मुझे लगा कि रशियन बॉक्स ट्रक है, बट ये वो नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अगर वो होता तो मैं इसको बाय कर लेता। आगे मेरे को एक और ट्रक दिख रहा है, आई थिंक ये वही वाला रशियन बॉक्स ट्रक है जिससे हम लोगों ने बहुत पैसे कमाए थे। स्टार्टिंग करी थी, पहली गाड़ी यही सेल करी थी मैंने। ये वो तो नहीं लग रहा मुझे, डार्क ब्लैक डिलीवरी ट्रक है यहाँ पास सारे। ओके तो $4,000 हम बाय कर लें क्या? $4,000 बोल रहे तो मैं कितना बोलूँ इसको, 2200 ट्राई करते हैं, आई थिंक मेरे को दे दे। ओके तो होप करते रहो तुम फिर बस। हाँ यार ये लोग ना गाड़ी ओ इसके पैर नीचे चले गए कंक्रीट में, कंक्रीट के अंदर घुस गए इसके पैर। 7,800। ओके ये तो गाड़ी हम लोग ले सकते हैं इसको आराम से, लेकिन डैमेज वगैरह भी है ना, इसको हम लोग ले लेते हैं। चलो एक गाड़ी ले लेते हैं, 5,600। चलिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम सस्ते में बेच दे रहे हो, मतलब कि ऐसा कमेंट लिख दे रहे हैं कि तुम $50 में बेच दे रहे हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, वो शायद जंप कट की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि वही है, मैंने अच्छे से चेक कर ले रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कभी भी आपको डाउट होना कि यार मैंने सस्ती में बेच दी, यहाँ पर जीरो नहीं लगाया, तो नीचे चेक कर लेना यहाँ पर प्राइस आता है। और फिलहाल ये गुस्सा हो गए, अगर गुस्सा हो गए, वैसे गुस्सा हो गए भी करेंगे क्या है? ये तो बंदा इसके पैर नीचे जमीन में गड़े हुए, तो ये कुछ कर भी नहीं सकता हमको। चलिए यार गाड़ी तो हम लोग ले नहीं पाए, तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं घर सीधा। एक और यहाँ पर गाड़ी दिख रही है, अगर मैं ये ले पाया, ये बड़ा वाला ट्रक है, अगर हम लोग इसको ले पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले पाए तो चल लेंगे वहाँ पे है ना, सामने जाना है मुझे, शॉर्टकट निकल लेंगे यहाँ से हम लोग। रशियन बॉक्स ट्रक तो ये है, इसको कितने का ले सकते हैं हम लोग? ये ज़्यादा ना कम नहीं कर रहे, तो इसको हम लोग 4,000 बोलते हैं, या 3500। बहुत ही सस्ता सामान है यार, बहुत सस्ता सामान है। अबे क्यों 4,000 ले ले फिर ले, मत करो बैठे रहो। ये लोग ना बिल्कुल भी मतलब नेगोशिएट नहीं करना चाह रहे यार, पता नहीं क्यों। मतलब वैसे सही भी है, क्योंकि सस्ता ट्रक है तो चाह रहे कि इससे थोड़ा सा प्रॉफिट बन जाए हमारा, बट कोई बात नहीं। फिलहाल अभी दोबारा मेरे को अनपेड बिल, अबे क्या चक्कर है अनपेड बिल से का यार, मैं तो अब इतनी गाड़ी बेच भी नहीं रहा हूं। गाड़ी रखने के भी पैसे मांग रहे हो क्या मुझसे? गाड़ी रखने के पैसे तो नहीं होंगे ना, मतलब जैसा कुछ कमेंट्स मेरे को आए थे कि पार्किंग में खड़ी करने के, टो के भी लोगों ने बोला था, लेकिन टो के नहीं है, टो फ्री होता है। वो अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो टो के होने चाहिए पैसे, क्योंकि गाड़ी से हम लोग टो करा रहे हैं, बट नहीं है उसके पैसे, तो ऐसा ही है, नहीं है उसके पैसे, तो अच्छी बात है, हमारा तो पैसा बच रहा है। मंडे का दिन है आज, लेकिन यार वो नहीं हो रहा है, ऑफिस कुछ भी नहीं है, मतलब बोरिंग सा लग रहा है दिन। जिस दिन अगर हमारे पास पैसे नहीं है ना हो, ना ही मार्केट ओपन हो, और ना ही आपको ऑक्शन में जाने का मौका मिले, तो वो दिन बहुत बोरिंग लगता है। एक काम करते हैं, हम लोग चल रहे हैं घर अपनी गाड़ी से, सो जाते हैं, कल सुबह उठ के आएंगे, गाड़ी से नहीं जाते हैं, ऐसे चल रहे हैं। और बल्कि एक काम करता हूँ, गाड़ी ना बेचने लगा देते हैं अब, यहीं से फोटो खींचते हुए लेके जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा लाइव। चलो फोटो खींचते हुए जाते, यहीं से फोटो खींच रहे हैं मस्त करके पेड़ के साथ में, थोड़ा सा इस ये वाला एंगल ले रहा हूँ मैं। ओके तो आ चुका है, अभी हम लोग इसको कर लेते हैं लिस्ट। तो ये गाड़ी मैंने 6,55,000 की खरीदी, यानी कि इसको मान लो आप 6,60,000 की, क्योंकि पैसे भी लगे हुए। अब हम इसको कितने का बेचें, ये वाली है ना, इसको हम लोग कितने का बेच सकते हैं? एक सेकंड प्राइस चेक करते हैं। तो इसका हमको जो मैक्सिमम मिलता है $9,15,801 मिल सकता है, तो मैं इसको 9,15,000 का ही बेचने वाला, एक बार 9,20,000 का ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतने में बिकेगा, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। और वैसे भी रात हो गई, तो हम लोग ऑफिस बंद करते हैं, ऑफिस बंद ही अपना, और सोने के लिए चले जाते हैं। ठीक है कल सुबह मिलते हैं।
ओके तो गाइस आज कार मार्केट ओपन है बट हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम लोग फिर भी एक गाड़ी खरीद के लेके आ सकते हैं, बट पहले चलते हैं ऑफिस में थोड़ा सा ट्राई करते हैं उसको सेल करने का और देखते हैं कि कैसा हमको रेट मिलता है, कैसा ऑफर मिलता है। और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद मेरी कोई भी माइनक्राफ्ट की वीडियो नहीं देखी, कितने सारे ऐसे लोग हैं कमेंट मेरे को जरूर बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी ये वाली चैनल की वीडियोस देखी हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग एक बार माइनक्राफ्ट की वीडियोस भी देखना, स्पेशली 100 डेज वाली आपको बहुत पसंद आने वाली है। ऑफिस ओपन कर लिया और अब हमको इंतजार है हमारे कस्टमर्स का, अच्छे वाले कस्टमर्स का, वो वाले नहीं जो सिर्फ पैसा पूछ के रेट पूछ के चल दे रहे, वो वाले नहीं, वो नहीं चाहिए हमको। इस गाड़ी में देखो एक जो ग्लिच सा है, जो थोड़ा सा कुछ अजीब मेरे को चीज लग रही है, वो देखो इसकी लाइट्स ये है, ठीक है, लेकिन इसको देख के ये लग रहा है कि इसके ऊपर वाले जो पार्ट है ना, जो लाइट्स का वो बना हुआ एरिया जहां से ऐसा लग रहा है कि लाइट्स ऊपर आएंगी, ऊपर होती है ना वैसा वाला, वो नहीं है इसमें। तो या तो पूरा कंप्लीट वैसा होता तो बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है टल्ला मार रखा है, थोड़ा सा तो कमी है इस गाड़ी में, बट कोई बात नहीं, अभी कुछ कर भी नहीं सकता यार। पेंट वेंट थोड़ा सा इसका गंदा हो रहा है, खराब हो रही, तो इसको क्लीन कर लेते हैं, एक्सपी बढ़ जाएगी और एक्सपी बढ़ाने का तरीका यही है यार। अभी मेरे पास वो होता ना जेट, तो हम लोग इतना जल्दी जल्दी क्लीन करते ना, सही में हमारी बहुत एक्सपी बढ़ जाती। जब हम पूरी गाड़ी क्लीन कर लेते हैं या फिर पूरा ऑफिस क्लीन कर लेते हैं तो हमको 4 एक्सपी मिलती है। अभी मेरे को एक साथ 4 मिलेगी, अभी शायद पूरी क्लीन नहीं हुई है। ओके तो पहले कस्टमर हमारे धीरे धीरे अपनी मधुर चाल से हमारे तरफ आते हुए मेरे को दिख रहे हैं, इनका मुंह तो मुझे भी फिलहाल नहीं दिख रहा है, आई थिंक ये यहीं रुकेंगे। ओके तो रुक गए, अब जाके देखते हैं कि क्या इनके पास ऑफर है। देखने से तो लग रहा है कि यार अच्छा खासा ऑफर है, 7 लाख का ऑफर है, नहीं 50,000 का प्रॉफिट थोड़ा, 50 भी नहीं दे रहे मेरे को प्रॉफिट, तो तुम तो रहने दो, मैं खाली टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मेरे को कम से कम ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा कस्टमर चाहिए जो कम से कम मुझे 8.5 लाख का या 8 से 8.5 लाख के बीच का ऑफर दे, तब हम उसको अपने जाल में फंसा सकते हैं, $1 वाले स्कैम में फंसा सकते हैं। चलो ठीक है, ये पेड़ से निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है पेड़ के बच्चे हो रहे हैं, फिर यहाँ से निकल रहे हैं और यहीं चल दे रहे हैं वापस। एक गाड़ी में ये लेने की सोच रहा हूँ, अगर ये मेरे को दे दे 14,000 में। ओके नहीं, यहाँ पर देख के आते हैं कौन सी है। तो पोर्श यार ये महंगी गाड़ी है, ये कहाँ खरीदेंगे हम लोग, मेरे को थोड़ी ना सस्ती गाड़ी चाहिए। अब ये भी नहीं, ये भी महंगी है, ये आई थिंक हमको मिल सकती है ऑडी S5, देखते हैं कि कितने की है। ये है 24,000 की, तो ये हम लोग आराम से ले सकते हैं, इसको हम लोग ऑफर देते हैं 17,000 का, देखते हैं कि मिलती है या नहीं मिलती है। ओके तो 17,000 में मना कर रहा है, हम इसको देते हैं 18,000 का, अरे 18,000 में दे देना चाहिए यार। ओके तो अभी 18 में भी नहीं दे रहा। A few moments later. तो बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं, एक एक करके सबका रेट पता करते हैं पहले कि कौन कितने रेट में लेने को तैयार है। बेहतरीन वाली गाड़ी है और इतना आसानी से मिलती भी नहीं है, 7,000 7 लाख, सॉरी कोई बात नहीं। दूसरा बंदा देखते हैं, 6,071, ये बहुत और कम दे रहा है, ये बंदा लग रहा है मेरे को अमीर, ये लेगा पक्के मेरी गाड़ी। आया ओके, तुम तो निकल ही लो यहाँ से, तुम तो मुड़ के आना भी मत दोबारा, ये लड़की आ रखी है, देखते हैं कि ये कितना रेट दे रही है मेरे को। वो बंदा बहुत देर से इंतजार कर रहा था क्या, निकल भी गया। 7,38,000 यार, इतना कम क्यों दे रहे हो मेरे को तुम, 7,38,000, 8 लाख का ऑफर तो चाहिए मेरे को कम से कम, तब जाके मैं उससे बार्गेन करूंगा, वरना तो सीधे निकल लो, आओ और निकलो यहाँ से। नहीं मैं अभी 7,40,000, मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को कितना ऑफर मिल रहा है। 7,40,000 का ऑफर दिया था उस बंदे ने, थोड़े से और लोगों को देखता हूँ मैं, एक बार देखूँ कि मैंने कितना रेट लिख रखा है, मतलब कितना इसका रेट के क्या वो है, क्या क्या कैसा रेट है इसका देखते हैं, ठीक है। 6,55,000 की हम लोगों ने खरीदी है, हम लोगों ने $5,898 इसमें लगा दिए, तो बहुत पैसा लगा दिया। अब जाके देखते हैं इसका एवरेज, ये मेरे को कौन सा प्राइस दे रहे हैं, ये पता मेरे को कौन सा रेट दे रहे हैं, एवरेज रेट दे रहे हैं ये मेरे को, और मेरे को अबव एवरेज भी नहीं, मैंने हाईएस्ट प्राइस में मेरे को इसको बेचना है, एकदम हाई वाले प्राइस में, तो कम से कम 8 लाख से ऊपर मेरे को इसको बेचना है, 8 लाख से नीचे तो बात करनी ही नहीं है, ठीक है। और अगर ये कार आज बिक गई तो इस कार की वजह से हम लोग आज मिलियनेयर बनने वाले हैं, देखते हैं कि कैसा होता है। फिलहाल मेरे को कुछ और पैसे भी कमाने पड़ेंगे और गाड़ियाँ बेचनी पड़ेंगी, तब जाके होगा। 7,15,000, नहीं 7.5 लाख का मेरे को ऑफर मिल चुका है, 7,40,000 का, इसका मतलब ये है कि अभी अच्छे कस्टमर नहीं आए। ओके तो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग ना मार्केट चल रहे हैं, $18,000 बच रहे हैं यार, $18,000 बच रहे हैं, तो क्यों ना उनको यूज़ करा जाए। $18,000 में हम लोग एक गाड़ी लेके आते हैं और उसको बेचने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पास जैसी हम लोग अपनी ये ऑडी R8 बेचेंगे ना, तो हमारे पास $1,000,000 हो जाएंगे। मतलब उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक सेल तो कर ही दें, ये तो गाड़ी बिल्कुल कबाड़ में जाने लायक है यार, इसको तो कबाड़ में बेचो तुम मैडम। ये भी महंगी यार महंगी गाड़ी है, इसको सस्ती गाड़ी नहीं मिलेगी क्या कोई, ये देखते हैं ये कितने की है, ऑडी Q7, यार ऑडी Q7, ये तो काफ़ी सस्ती है, इतनी सस्ती भी नहीं खरीदनी, ये तो बेकार है, 2,500 का ट्रक है।
ये कौन सी है, BMW Z3A, यार ये भी महंगा है। तो यार आज ना गाड़ियां है ही नहीं, एक और गाड़ी है BMW सीरीज 5, ये कितने की गाड़ी है, 12,000 की। ओके इससे ट्राई करते हैं हम लोग इसको 8,500 कंसीडर कर लिया लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कितना मैं बोलूं आपको, कितना दूं मैं, 8,999। यार ये यहाँ पे तो काम नहीं करेगा ना। ओ अबे यार नाराज हो गई, 9,100 मैं कितनी कंजूसी कर रहा हूँ यार इसको रेट देने में। टोयोटा एवरॉन, ओके ये गाड़ी कितने की है, 25,000 की है। 18,500 का ऑफर कर सकता हूँ मैं, इतना ही क्योंकि मेरे पास पैसे हैं ना, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते यार। दे दो यार मेरे को एक गाड़ी लेके घर जाने दो, वहाँ पर कस्टमर भी वेट कर रहा होगा। अबे यार होप क्या कर रहे हो फिर तुम लोग यहाँ पे। ये वो लोग हैं जिनसे मैं एक बार अभी पहले मार्केट आया था देखने के लिए, मैंने ट्राई किया था तब भी, लेकिन वही है कि नहीं ये लोग कसम खा के बैठ गए, ये नहीं बेचने वाले। कह रहे इस बंदे को तो नहीं, ये बहुत प्रॉफिट कमा रहा है हम लोगों से, हम चल रहे हैं ऑफिस में, कस्टमर्स आए हुए। ओके तो एक ही कस्टमर आ रखे यार, इसके चक्कर में मैं वहाँ से दौड़ा भाग करके यहाँ पर आ रखूँ। अब तो इसको लेना ही पड़ेगा, इसके मुंह पर मारूंगा तो गाड़ी में अगर ये लेगी नहीं। कितना देरी मेरे को ऑफर, 7,14,000। अबे हट जाओ यार, मैं एक बार बार्गेन कर लेता हूँ फिर भी, ठीक है 9,00,000 का करता हूँ। अच्छे से जीरो गिन रहा हूँ मैं, देख लेना अच्छे से चैट में देख लो, चल लो चुपचाप। तो यार सब कुछ अगर हमारे बस में नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो एक ही ऑप्शन है कि सो जाओ, कल सुबह नया सवेरा होगा तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। जीरो चल रहा है सब कुछ, जीरो। अब बिल कितना हो रहा है, मेरा बिल क्यों दिखा रहा है मेरे को ये? चलो ठीक है, ये कस्टमर्स आ रखे हैं इनको हम लोग सेल करेंगे। पहले उससे पहले ऑफिस क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यार स्टार्टिंग में ना यही होता है। अब देखो क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, अब हमको 4 XP मिल जाएगी और चश्मा पहन के ऐसा प्राइस दे रही मेरे को 6,500,000, 6,500 भी नहीं दिया, कम ही दिया। ओके तो गाइस टाइम आ चुका अपने रेट्स को थोड़े कम करने का, 9,15,000 मैंने 9,20,000 किया था, 9,00,000 से 15,000 में आ गए, 5,000 सस्ता कर दिया। और ऊपर से टाइटल तो गायब ही हो जाता है, टाइटल भी डाला था मैंने, टाइटल तो खैर गायब हो गया, तो टाइटल डालने का फायदा नहीं यार। मैंने टाइटल डाला था कि ऑडी R8 आज ही घर ले जाओ, जल्दी घर ले जाओ मुझे लगा कस्टमर आएंगे। फिलहाल देखते हैं कि अब कोई कस्टमर आता है, सेल पर वापस से लगा लिया है। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे एक कस्टमर आ रखा बहुत देर वेट करने के बाद, 7,50,000 का ऑफर दे रहा है, मैं इसको $1 कम कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या ये इसको ले लेगा नहीं। ओके तो ट्राई करते, 7,50,000 बोल रहा है, 7,51,000 वाला बंदा भी आ रखा है, तो मुझे पता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा हमको ऑफर मिल सकता है अगर हम लोग वेट करें, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं हम लोग, ओके 8,50,000 करते हैं, 8,90,000 करते हैं, ज़्यादा कम नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है ना कि वो बंदा मेरे को ऑफर दे रहा था। ओके चलो रहन दो, पता क्या हो रहा है वेट करना पड़ रहा है और मेरे बिल पे करके मेरे पैसे हो गए खत्म, हमारे पास सिर्फ $11,683 हैं। वैसे हमारे पास देखा जाए तो ऐसी हालत नहीं हुई, हमारे पास ये वाली गाड़ी है, बट आप लोग नहीं चाहते कि मैं इसको बेचूं तो मैं इसको नहीं बेचने वाला, और ये गाड़ी मैं इतने सस्ते में तो नहीं बेचने वाला यार। मैं चाहता हूं इसके कम से कम मेरे को 8,50,000 से ऊपर ही मैं इसको सेल करूं, नहीं तो हम लोग वेट कर लेंगे। तो मैं फिलहाल वेट ही कर रहा हूँ, देखो कितना वेट करना पड़ता है, फिलहाल वापस मेरे को वेट ही करना पड़ रहा है। आज भी ऑक्शन है, तो ऑक्शन में तो यार कोई गाड़ी ऐसे इतने पैसे में तो नहीं मिलने वाली $11,000 में, चले जाएंगे फिर भी अगर होगा, $300 तो टिकट ही लगेगी देखते हैं क्या करते हैं। क्यों दिखा रहा है कि डर्टी है, लेकिन कहीं पर मुझे कचरा नहीं दिखा रहा है, इतना धीरे चल रहे हैं यार ये, कहाँ वहाँ कहाँ जा रही है इधर गाड़ी। चलो देखते हैं कि क्या ऑफर दे रहे हैं, 5,30,000 कुछ भी। तो गाइस यहाँ पे एक और ऑफर मिल रहा है 7,43,000 का, वरना तो लोग इतना तक आ ही नहीं रहते, तो इसको मैं 8,50,000 का देख रहा हूँ, हो गया तो बेच दूंगा, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल था इसको बेचना, क्योंकि बहुत देर से मैं वेट कर रहा था और कस्टमर्स आ ही नहीं रहे थे। अब फाइनली हमारे पास $861,000 हो चुके हैं, अब हम चल रहे हैं मार्केट में और कुछ गाड़ियां बाई करके लेके आते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया था यार, मैं वेट कर रहा था कस्टमर्स के आने का, इवन मैंने 7,50,000 का जो बंदा हमको ऑफर दे रहा था उससे भी ट्राई किया था, बट वो लोग 9,00,000 में तो कोई बेच नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि नहीं बिकेगी, बिक सकती है, उसका रेट दिखा रहा है वहाँ पे, बट पता है क्या, हमको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, मतलब बहुत रेयर वाले चांस है कि ऐसा कस्टमर आएंगे। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमाया था, मैंने उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा रखी थी उससे, तो कुछ ना गाड़ियाँ बाई कर लेते हैं, क्योंकि शाम भी शायद आई थिंक होने वाली है। हाँ तो आज हम लोग कुछ बाई करने वाले, क्योंकि हमको कमाना है $1,000,000, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कितना बोल रहे हैं, 2,37,000, 2,20,000 ऑफर देते हैं। ओके एक गाड़ी तो हम लोगों ने ले ली है, इसको छोड़ दो अभी। क्या है इसका स्टेटस, ओके इसको रिपेयर के डले डाल देते हैं, और एक और पोर्श है यहाँ पर, अरे वाह यार ये भी उसी वही है, सेम है
डर्टी वगैरह कुछ नहीं है, ये 2,37,000 की, तो वो तो थोड़ा सा ना उसको डैमेज, वो डैमेज्ड थी। इसको देखते हैं कि 2,20,000, 2,00,000 इसको 15 की बोलते हैं, 5,000 और कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अरे ले, 2 गाड़ियाँ बाई कर ली हम लोगों ने एक साथ, इसको तो हम लोग टो कराते हैं सीधे वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत सही चीज़ है। अब जाके हम लोग एक और अच्छी गाड़ी देखते हैं, तो ये है सुप्रा, और इसका देखते हैं कि रेट कितना है, $75,000। ओके, तो हम लोग बाई करते हैं इसको 65 आई थिंक, फटाफट से ले रहे हैं हम लोग। लो एक और गाड़ी ले ली। अरे यार अभी तक ना मैं बोर हो गया था सही में, देख देख के मतलब कस्टमर्स का वेट कर करके। अबे क्या हो रहा है, अबे नहीं मेरे को हर जगह से गाड़ी में एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। स्टेटस क्या है? ओके, इसको भी टो करा रहा हूँ। एक और गाड़ी हम लोग देखते हैं कि कोई ढंग की गाड़ी यहाँ पर हो। फोर्ड फोकस 5,000। अबे नहीं 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 5,000 की नहीं। ये वाली गाड़ी कौन सी है? ऑडी S5 कितने की है? 15,000। नहीं यार थोड़ी सी ना महंगी गाड़ी, ये मुझे थोड़ी महंगी गाड़ी दिख रही है। एक बार देखते हैं NG5 स्टेशन वैगन 78,000 की। तो हमारे पास कितने डॉलर हैं? मतलब बहुत पैसे हैं हमारे पास। तो यार अब सारी गाड़ियाँ हम लोग सेल करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये गाड़ी हम खरीदेंगे 61,000 की। ओके 61 में मना कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं 65,000। ओके ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा। एक बार इसका स्टेटस चेक करते हैं, डैमेज है तो इसको भी डाल देते हैं। बहुत सारी गाड़ियां बाई कर ली है, अब कोई गाड़ी बच रही है? ओके तो टेस्ला का देखते हैं एक बार क्या चक्कर है। बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, 46 बोल रही है। हम लोग इसको बोलते हैं 31,000। ओके 31 मना कर रही है, 34 करते हैं सीधे। 34 में तो यार, अरे बाप रे 34 में भी मना कर रही है, कितना ऑफर करा था इसने, 46 बोला था, 36 करते हैं, 10,000 कम कर लेते हैं, ठीक है। अब गारंटीड है, मिलेगा मिलेगा पक्का मिलेगा, ये तो नॉन निगोशिएबल। अरे वाह नाराज हो गई ये तो यार। चलो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि खरीदे ही खरीदे। अभी हम लोग चल रहे हैं नेवरहुड, वहाँ पर ही कई बार अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है, मतलब 2-2.5 लाख की गाड़ियाँ आराम से वहाँ पर मिल जाती है। थोड़ा सा एक बार नज़र घुमाते हैं। एक गाड़ी मेरे को अच्छी सी दिख रही है, ये तो है हमारी मस्टैंग। ओह मस्टैंग कितने की है? 37,000 की। तो मस्टैंग में ना अच्छी में बिक जाती, तो इसको हम लोग करते हैं एक बार 27, 10,000 कम कर रहा हूँ, ज़्यादा हम लोग ओके 27 नहीं 28 कर लो। चलो छोड़ो ये तो नहीं माना। उसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, देखते हैं कि कोई और महंगी। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार 2,00,000 से ऊपर तक की मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये वाली गाड़ी देखते हैं कि कितने की मिलती है हमको इसका रेट। अब ये तो बहुत ही सस्ती है, अभी तक मैं सस्ती गाड़ियाँ ढूंढ रहा था, अभी देखो अचानक से बिल्कुल वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, अब हम देख रहे हैं महंगी वाली गाड़ियाँ। ये वाली गाड़ी है थोड़ी सी महंगी, आई थिंक मैंने ये अभी तक नहीं खरीदी है। होंडा स्टेप वैगन 37 की है, तो क्या हमको एक 27 का दे देगा बंदा? दे दो यार, ज़्यादा वेट ना कराओ। अबे अभी तो स्टार्ट ही करा है मैंने, अभी कहाँ से पिस ड्रॉप कर दिया मैंने इसको। एक गाड़ी वहाँ पर दिखी थी, तो सिर्फ 2 गाड़ी है, तो बहुत सस्ती है, इसको छोड़ो। एक ये वाली गाड़ी है, इसको देखते हैं कि कितना की है ये गाड़ी। मर्सिडीज कूप, यो ये महंगी हो सकती है, 1,202,000 की। तो ये खरीदने लायक गाड़ी है, थोड़ा बहुत डैमेज है, तो इसको हम लोग ऑफर करते हैं 85,000 का करता हूँ। चलो अब इसको तो मेरे को चला के लेके जानी पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है। एक सेकंड, हाँ हम लोगों ने बहुत गाड़ियाँ बाई कर ली, तो हम लोग ना वो ये गाड़ी अच्छी लग रही है, हम खुद के लिए भी रख सकते हैं ये वाली गाड़ी, क्योंकि एक गाड़ी तो अपने को चाहिए, चलाने में मज़ा आएगा ना, सस्ती हो ताकि डैमेज भी हो तो कोई चक्कर ना हो। यार मैं वापस, अब मेरे को एक और राउंड लगाना पड़ेगा, अभी तो हम लोग रिपेयरिंग के लिए छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, तो हमको जाना ही पड़ेगा। देखो दोनों गाड़ियाँ लग चुकी, 4 गाड़ियाँ हम लोगों ने बाई करी है। अब वेट है मेरे को ऑक्शन का, कल आई होप कि यार ऑक्शन ओपन। अबे हट जाओ, अबे लो यार देखो कितना गंदा डैमेज हुआ इसको, गाड़ी का ये बार ना टर्न नहीं हो पाती। अगर कल ऑक्शन ओपन होता है तो गाइज हम लोग कल ऑक्शन से एक और अच्छी गाड़ी बाय करने की ट्राई करेंगे, तब तक एक दो गाड़ी सेल भी कर सकते हैं फटाफट से। अब बहुत काम करने, बहुत इंतजार कर लिया, अब जाके काम ही काम करने। फटाफट से इंजन बंद करो, उतरो यहाँ से और सो जाओ। वैसे आज ऑक्शन तो ओपन नहीं है, बट अबे मैं क्या कर रहा हूँ ये, मैं वापस आ चुका हूँ अभी वहाँ से।
मैं रात को सोया और उसी रोड में वापस आ गया जहाँ से आया था। चलो कोई नहीं, शॉर्टकट मारते हैं, पहुँच ही गए हम लोग यहाँ से। ज़्यादा लंबा मैप नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैदल भी घूम सकते हो पूरा मैप। अब चल रहे हैं सीधा पहले यहाँ पे। इसको भी रिपेयर करना था क्या? हाँ इसको भी रिपेयर करना था, बट पहले हम लोग चल रहे हैं इनको रिपेयर कराने फटाफट से। ये है हमारे पास पोर्श। पोर्श मैंने दो बाई करी है, एक ये है और एक वहाँ पर है जो रिपेयर नहीं करनी। इसमें $700 लग रहे हैं हमारे। अब हम एक काम करते हैं, तब तक उन दो गाड़ियों को ना इसको एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और वहाँ से फटाफट से इन दो गाड़ियों को लेके आते हैं, इनको फटाफट रिपेयर करते हैं। पोर्श हम लोग अच्छा खासा कमाने वाले हैं। पहले ना ये कर दूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत देर से ना कचरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्यों दिखा रहा है कि ऑफिस इज डर्टी, कहाँ अटका पड़ा है कचरा मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो अभी भी नहीं दिखाया ना, इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी के नीचे है क्या कचरा? नहीं यार यहाँ तो है नहीं। गाड़ी हटा के ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ तो है ही नहीं कचरा। फटाफट से इस वाली गाड़ी को लेके चल रहे हैं। तो इसको पहले ना पेंट करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग ट्यून वगैरह करेंगे। मैं एक अब लो शाबाश। ओके तो इसमें रेसिंग किट डाल रहे हैं, टर्बो डाल रहे हैं, एनओएस डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी ये गाड़ी सही है, थोड़ा सा नीचे बैठाएंगे इसको, सस्पेंशन कम करते हैं, थोड़ा डाउन करते हैं। ओके लाइट्स ऑलरेडी परफेक्ट हैं, सस्पेंशन अपडेट नहीं किया मैंने, प्लेट परफेक्ट है, नंबर प्लेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। व्हील्स, हाँ व्हील्स का देखते हैं, 3000 रुपये के व्हील्स भी डला लिए। मुझे लगता है कि व्हील्स से ना शायद कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, पता नहीं, बट अच्छा लग रहा है। अब हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको फटाफट ना लिस्ट करता हूँ, क्योंकि हमको आज टाइम वेस्ट नहीं करना, कल ऑक्शन ओपन होने वाला है। तो ये मुझे लग रहा है ऑक्शन कल होगा पक्का। ओके 3 लाख की मैंने इसको सेल पर लगा दिए। अब लेके चलते हैं दूसरी गाड़ी, सबसे पहले मस्टैंग को लेके चलते हैं। मस्टैंग का ना मेरे को रेट याद नहीं है कि लास्ट मैंने कितना बेचा था, जैसे मुझे अभी फरारी का पता है कि लास्ट मैंने कितना बेचा था उसको। ये तो आई थिंक रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है ना, अब मुझे ये भी रिपेयर करानी पड़ेगी। पहले ये निकालते हैं यहाँ से बाहर। ओह आराम से यार, मैंने ये गाड़ी ना गेट पर लगा दी एकदम से। इसको हम लोग करते हैं पहले पेंट कराने के लेके चलते हैं। इसमें कुछ कराने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, बट कोई नहीं पेंट करा लेते हैं। ओके इसमें भी डाल रहा हूँ रेसिंग किट, ECS टर्बो और सस्पेंशन थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही नीचे दबी हुई लग रही है, ठीक है परफेक्ट। ओके लाइट्स एकदम परफेक्ट है। नंबर प्लेट ये वाला चेंज कर लेते हैं और नंबर रहन देते हैं, छोड़ो बवाल नहीं करते। व्हील्स भी मेरे को परफेक्ट लग रहे हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, अभी चल रहे हैं इसको लेके। दो गाड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं मेरे को, बहुत सारी गाड़ियाँ रेडी करनी है वैसे, क्योंकि देखो जिसमें डैमेज नहीं है उसको भी हमको कम से कम उसमें ट्यूनिंग वगैरह तो करनी है ना। अभी कस्टमर आया नहीं वैसे यार, ऑफिस डर्टी अनपेड बिल दिमाग ख़राब कर दे इन दो चीज़ों ने मेरा, स्टार्टिंग से यही दिखा रहा है मेरे को। एक काम करते यहाँ पर ना दूसरी वाली वो लगेगी हमारी सुपरा, इसको हम लोग लेके चलते हैं थोड़ा पीछे। ओके 95,000 की दूसरी वाली लगा ली है, पहली वाली सुपरा थी हमारी 3 लाख की, तो इसको भी मैं उसी रेंज में सेल करूंगा। इसको पहले ना रिपेयर के लिए रखते हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं मेरी हैं सारी के सारी। बैठे इसमें, अबे बैठ जाओ, फालतू में डैमेज करा दिया उस गाड़ी ने मेरे। इसको रिपेयर पर लगाते हैं और जल्दी जल्दी इसको भी रिपेयर करना है क्या? इसमें क्या है? ओह नहीं इसमें पेंट कराना है मेरे को, तो पहले सबसे पहले इसको कराते हैं पेंट। रिपेयर हो भी गई वो इतनी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं ना। चलो जल्दी से कर दो इसमें हमारा लिए कोई मस्त सा पेंट, ग्रीन कलर कर लें क्या? मस्त वाला एकदम ऐसा, उतना कुछ खास नहीं लग रहा है यार, ग्रीन नहीं अच्छा लग रहा है यार, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें इसमें? ब्लैक कलर करते हैं इसमें, छोड़ो पॉलिश वॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब लेके चलते हैं, इसमें हम लोग रेसिंग किट वगैरह ऐड कर लेते हैं और फिर जाके इसको भी तैयार करके लगा देते हैं। कस्टमर आ रखा है वैसे एक, चलो कोई बात नहीं। रेसिंग किट ऑलरेडी लगा हुआ है, ये लगा लेते हैं। सस्पेंशन वगैरह परफेक्ट है, लाइट्स परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। व्हील्स वगैरह देखते हैं थोड़ा सा कोई बेहतरीन वाला। ये लो 3000 के हमने तो सिर्फ रिम्स लगा ली इसमें। चलो 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 चलो, ओह ये देखते हैं कि क्या ऑफर कर रहे हैं। पहली कस्टमर है पोर्श की, देखते हैं कि क्या 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 कर रहे हैं। 257, ओके मैं इनको बेच सकता हूँ 2,99,999। अगर अच्छी कस्टमर होगी तो ले लेगी, देखते हैं होप करते हैं ले ले यार अभी हमको। मस्त करके पहला डील बहुत अच्छी हो रही है। दूसरी डील 95,000, देखते हैं कि क्या बोलता है। 65, अभी 65 तो टोटल तो गिन के आ रखा है क्या? बिल्कुल ही ज़्यादा हीरो बन रहा अपने में, 65 दे रहा है मेरे को सब पता है ऐसा कहने को। ओके तो इसकी भी हम लोग लेते हैं फोटो पिक्चर एकदम मस्त करके। अब जाके इसको करते हैं अपडेट यहाँ पे। अभी नेट नहीं चल रहा है इनका कई बार। कौन सी गाड़ी है? ओके सुपरा है ना, वो
हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कस्टमर आ रखे हैं। वो पोर्श थी या सुप्रा है यार, वो मुझे उसका ध्यान आ रहा था इसमें। 95,081 ओके, तो इसको हम लोग आराम से 94,999 परफेक्ट परफेक्ट एकदम डबल ट्रिपल ओके। चलो तुम उसके साथ में आए थे क्या? दो गाड़ियां बेच ली, 5,93,000 डॉलर, 1 मिलियन डॉलर करने यार, आम आसान काम थोड़ा है, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए बहुत सारी। चलो इसको लेके चल रहे हैं फटाफट से यहाँ, पहले इसमें रिम्स वगैरह चढ़ा, अबे नहीं ज़्यादा ही टेढ़ी लगा दी मैंने, कोई नहीं मिडिल में लग रखी है। और रेसिंग किट डालो, ये सब डालो इसमें, सस्पेंशन एकदम परफेक्ट, लाइट्स परफेक्ट, ये भी एकदम परफेक्ट है। अब जाके यहाँ पर आती है बात एकदम, तो ये कुछ कैसे लगेंगे इसमें यार, ब्लैक वाइट कलर की गाड़ी में थोड़ा टायर वो अच्छा लग सकता है। अबे छी ये गंदा सा क्या है ये ट्रक का, ये देखो कितने गंदे यार, ये भी कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे यार। मेरे को ये लास्ट के ही ना कुछ पसंद आ रखे हैं, यही पसंद आ रहा है मुझे, 3,000 वाला, सस्ते में बात ही नहीं कर रहे हम लोग तो। कस्टमर तो नहीं आ रखा ना, ओके। अब मैंने लिस्ट तो लिस्ट नहीं करी है। मेरा सपना था कि दो पोर्श को एक साथ लगाऊं, लेकिन सपना अधूरा रह गया क्योंकि पोर्श हमारी बहुत जल्दी बिक गई। अब वो इसमें पेंट नहीं कराया मैंने, अब एक काम करते हैं इसको पहले सुप्रा को लगाते हैं यहाँ पे। सुप्रा था ना, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था इसको लेके, नेट नहीं चल रहा इसका टाइम पे, तो सुप्रा की मैंने फ़ोटो खींची थी। कितना 65,000 लगा रखा है, 1,10,000 अभी नहीं लगा दिए। फटाफट से एक चक्कर हम लोग कार मार्केट में चेक करके आ रहे हैं कि कोई गाड़ी है, मर्सिडीज कूप है या फिर स्कॉडा। ओके नहीं, थोड़ी सी फटाफट ना गाड़ियों में नजर मार के आता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ी है। एक और पोर्श, एक सेकंड देखते हैं कि कितने की है। 3,00,000 इसका रेट मिल जा रहा है, तो हम लोग ना ये और सस्ती मेरे को मिल रही है, तो हम लोग इसको ऑफर देते हैं 1,75,000 का। अरे वाह ये लो 1,75,000, तो इससे हमको ना अब आइडिया लग रहा है कि अगली बार 1,70,000 का बाई करने का ट्राई करूंगा। फिलहाल इसको टो करा लेते हैं। और कौन सी गाड़ी यहाँ पे, ये कौन सी गाड़ी है, फरारी F430। ये कितने की मिल रही है यार, ये गाड़ी का मेरे को रेट पता था ना कि कितने मिल रहे हैं, बार्गेन करें क्या, 3,25,000 ओके। फरारी भी बाई कर ली हम लोगों ने, चलिए फटाफट से इसको भी टो करा लेते हैं। इसमें रिपेयर, ये कौन सी है, ये वाली गाड़ी टोयोटा एवरॉन ओके, ये कितने की है, 54,000 की, तो इसको हम लोग सेल करते हैं या रहन देते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है गाड़ी ना। अब यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, तो हम लोगों ने जितनी गाड़ी खरीदनी थी बेचनी थी कर लिया। अब उसके बाद हम लोग BMW Series 1, ये तो बहुत सस्ती गाड़ी होगी, 11,000 की है। चलो अभी एक काम करते हैं, आज का दिन है हमारे पास, स्किल पॉइंट भी आ चुका है, अरे वाह यार स्किल पॉइंट आ चुका हमारे पास, तो आज का दिन है गाइज हमारे पास पैसा बनाने का, 1 मिलियन डॉलर करने का। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग कल ऑक्शन से खरीद लेंगे, क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मैं 1 मिलियन होने ही नहीं दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आज ही का टाइम है हमारे पास सब कुछ सेल करने का। इसको फेंकते हैं, 4 XP यहाँ से भी मिल जाएगी, नहीं यार XP क्यों नहीं मिल रही है, 1,09,999, क्या ये खरीदेगी इसको, द प्राइस सीम्स अ बिट हाई। ओके एक बार दूसरे से ट्राई करते हैं, ये बंदा कितना दे रहा है हमको सुप्रा का, हम कितना, 99,000, अरे ये कर लेगा 1,09,000, मैंने वैसे भी कम ही कर रखा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कर रखा था मैंने। ओके ये वाली खरीद ली इस बंदे ने। अब जाके हमारे पास एक गाड़ी ये है जो अभी हम लोगों ने बाई करी, इसमें डैमेज वगैरह है, तो इसको हम लोग ना डायरेक्ट वहाँ पे टो करा लेते हैं। अरे यार वो भरे हुए हैं दोनों, ये रिपेयर कर लो फटाफट से, और उसके बाद से ये वाली रिपेयर कर लो। चलो अभी हमारे पास और कुछ नहीं ना, तब तक हम लोग इसमें एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, अभी तो कोई गाड़ी है भी नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग, और मैंने पेंट के लिए मैंने ही दे रखी थी क्या ये वाली गाड़ी, मेरी तो है यार। ओके इसमें हम लोग पेंट करते हैं, कैसा समझ भी तो आना चाहिए, पेंट वाइट कर लेते हैं यार, छोड़ो इसको वाइट कर लेते हैं एकदम से, गंदी हो रही ना कोई बात नहीं, पॉलिश वगैरह नहीं करते हैं छोड़ो। ओके तो अब जाके हम लोग इसको लेके चल रहे हैं सीधा यहाँ से, आई थिंक मैंने इसमें अपग्रेड्स वगैरह ट्यून वगैरह करा लिया था, मुझे नहीं पता, अब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, जितनी गाड़ियाँ खरीद लिए उसी को सेल करके हमको 1 मिलियन डॉलर बनाने हैं, जो कि हम लोग आराम से कर लेंगे, बस मुझे रेसिंग किट ले, इसमें सब कुछ कर लिया था क्या मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ कर लिया था। पोर्श मैंने बेची थी लास्ट वाले 3,00,000 की, इसको हम लोग थोड़ा सा महंगा यानी कि 3,15,000 तक ट्राई करेंगे, इसका हाईएस्ट प्राइस उतना ही है, मैं सबको हाईएस्ट में ही बेच रहा हूँ वैसे भी। और पहले सबसे पहले ना एक काम करते हैं, इससे उतरते हैं
स्किल पॉइंट, तो ये वाला स्किल पॉइंट तो डेफिनेटली इसी में जाने वाला है। अब इसके बाद हमको दो चाहिए इसके लिए। फिलहाल हम इसको थोड़ा क्लीन करके देखते हैं कि स्पीड घटी का, और ये बहुत तेज हो गई स्पीड तो हमारी। अब हम लोग अच्छे से एक्सपी वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो मस्त लग रही है यार। चलो ये एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से यहाँ से। ओके चलिए, ये गाड़ी हो चुकी है क्लीन, फटाफट से इसकी खींचते हैं एक मस्त करके फोटो ऐसे करके, और अब इसको लगा देते हैं सेल करने के लिए। तो गाइस फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने जितनी भी गाड़ियां थी उनको मैंने अभी सेल पर लगा रखा है, कुछ को लगाना है बाकी सब में। ये लास्ट गाड़ी थी हमारी फरारी, इसमें भी मैंने पेंट कर लिया और जो भी ट्यूनिंग वगैरह करनी थी वो कर लिया। आज ऑक्शन है 2 बजे से उससे पहले अगर हम लोग गाड़ियों को बेच पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ट्राई करते हैं कैसा रहता है। अभी डैमेज बच गया, डैमेज से बच गया, बीच से घुसेड़ने की कोशिश करी थी मैंने लेकिन नहीं। चलो चलो अभी फटाफट से इसको लेके चल रहे हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस में। देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो पहले तो ना ये वाली गाड़ी को भी मैं लगाता हूँ बीच में। अब देखो यहाँ पे कितने सारे कस्टमर आ रखे हैं, एक बार फटाफट से चेक करते हैं कि क्या रेट दे रहे, वरना मेरे को बाकी गाड़ियों को भी ना लिस्ट करना है। 2,15,000 की खरीदे, 1,00,000 को प्रॉफिट। आई होप कि यार नहीं ये नहीं देगा बंदा, एक और बंदा आ रखा है। 2 मेरे पास वापस से पोर्श आ चुके, एक बेच चुके हम लोग 3,00,000 की, शायद $2,99,000 की, नहीं ये भी नहीं खरीदेगा। चलो एक काम करते हैं फिलहाल ना सारी गाड़ियों को, पहले तो ये मैं ये लिस्ट करता हूँ फटाफट से, यहाँ से फ़ोटो डिलीट करते हैं फटाफट से, ये और ये। अब जाके कैमरे से इसकी फ़ोटो खींच लेते हैं ऐसे करके, और अब लगा लेते हैं इसको लिस्ट में। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मुझे पता चल चुका था कि फरारी की हमको कितने में बेचना चाहिए, लेकिन आज मैं वापस भूल गया हूँ। तो 3,25,000, तो 5,00,000, हाँ मेरे को याद है कि 5,00,000 में सेल करी थी हम लोगों ने, तो 5,10,000 में सेल करते हैं ठीक है। और उसके बाद मर्सिडीज कूप भी है हमारे पास, तो वो भी मुझे करनी है। मर्सिडीज कूप की वो तो नहीं, 85,000 की खरीदी थी ना, तो इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, 1,38,000, तो इसको मैं 1,30,000 करता हूँ। और हम लोगों ने फरारी कितनी कर रखी थी, एक सेकंड, फरारी का हमको हाइस्ट मिल सकता है 5,00,000, और ये 5,00,000 और महंगा बेचते हैं इसको, एक सेकंड, फरारी को तो हम लोग और महंगा बेचेंगे 5,48,000, तो 5,35,000। चलिए सारी गाड़ियां लग चुकी है, अब एक बार ना फटाफट से एक्सपी थोड़ी सी कलेक्ट कर लेते हैं, इनसे मैं बाद में नहीं पढ़ता हूं, जो भी मैंने कस्टमर आ रखे हैं थोड़ा सा मेरे को माफ़ करना, मेरे को अभी ना अपना लेवल अप करना है बस, और कुछ नहीं। अभी तो बहुत ही स्पीड से हो रहा है काम यार। हो चुकी है सारी गाड़ी क्लीन, नहीं कहीं पर रह रहा होगा पक्का। ओके तो ये हो चुका है, चलो बात भी कर लेते हैं इनसे क्या रेट दे रहे हैं ये लोग। ठीक है अब जाके इससे हम लोग $1,000,000 कमाने वाले हैं, 2,54,000 नहीं बिल्कुल भी नहीं। और बाप रे भीड़ देखो इसके लिए भीड़ देखो, हम इतने सारे कस्टमर आ रखे हैं, मैं जाने नहीं देना चाहता इनको, जल्दी जल्दी इनसे डील करते हैं, देखते हैं कि इनका ऑफर क्या है। 2,30,000 नहीं, 2,30,000 नहीं, इनका क्या है 2,36,000, हम लोग इनको ऑफर करते हैं 2,99,999, अगर ले लेगी तो अच्छी बात है, नहीं रहने दो। उसके बाद ये बंदा एक दो, कुछ कस्टमर जाने भी लग गए कोई बात नहीं, 2,47,000, तो इसको हम लोग ऑफर करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये लेता नहीं लेता है, $1 कम करा है मैंने, नहीं 5,30,000, नहीं यार कोई कस्टमर नहीं खरीद रहा। अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा ऑक्शन में, ऑक्शन स्टार्ट अभी ले हो भी गया, हमेशा लेट हो जाते हैं यार हम लोग। एक अच्छी सी गाड़ी वहाँ पर आ चुकी है, क्या पता हमको कोई रेयर कार दोबारा से दिख जाए, तो देखते हैं कि क्या वहाँ पर कोई गाड़ी है, चल रही उसकी ऑक्शन, एक बार देखते कि गाड़ी कौन सी है वो, देख के पता चल लग रहा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी तो नहीं है ये, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, ऑक्शन में थोड़ा सा देखते हैं अगर अच्छी गाड़ी मिलती है तो, वरना फिर वो कस्टमर को निपटाते हैं। $1,000,000 करना इतना आसान नहीं है यार। तो यार वहाँ तो कुछ नहीं मिला, बेकार गाड़ियाँ थी, और यहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ देखो। अब जाके एक एक करके निपटाते हैं सबको, तो मर्सिडीज कूप की देखते हैं कि कितना पे कर रहे हैं, 1,30,000 बोला हुआ है, 1,06,000, चलो 1,00,000 हम लोग इसको, ज़्यादा ऑफर नहीं कर रहे हैं यार, एक बार दूसरे का ट्राई करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किससे पहले डील करूँ, इतने सारे कस्टमर्स आ चुके हैं, 1,00,000 नहीं, एक और कस्टमर है, कम से कम 1,10,15,000 को ऑफर दो, तब जाके मैं इनसे आगे डील करूँगा, ये इनको छोड़ दो। अब जाके देखते हैं फरारी का, पोर्श का सॉरी, कितना कर रहे हैं, 2,53,000, एक बार इसका भी देख लेते हैं। ओके वो पोर्श वो है, फरारी का ये है यार। मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ क्योंकि इतनी चिपक चिपक के गाड़ियाँ लगी हुई है ना। 3,96,000, तो हम इससे बार्गेन कर सकते हैं 5,30,000 का, देखते हैं कि क्या ये ले लेगा, अगर ले ले तो बहुत अच्छी बात है यार। नहीं नहीं ओके तो ट्राई करते हैं एक बार, 5,29,999 का, नहीं
एक और कस्टमर आ रखा है। कस्टमर यार अच्छे कस्टमर आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। 5,35,000 का ऑफर कर रखा है, बहुत ज्यादा कर रखा है मुझे पता है, बट एक सेकंड इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो इसको हम लोग 5,30,000 का बोलते हैं सीधे। मुझे पता है ये कार अच्छी में रेट में बिक जाएगी, तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो अभी छोड़ो, रहने दो, जान दो। अब जाके इनको देखते हैं फटाफट से। रात का टाइम हो चुका है लेकिन ये बेचारे यहाँ पर खड़े हैं अपनी लाइन लगा के कि इनका नंबर आएगा। तू तो रहने ही दे, तू चले जा, खुद ही चले जा। ओके 3,00,000 की तो बिकेगी मुझे पता है। नहीं 2,99,000, एक सेकेंड, ये खुद ही चले गया। ये लोग सारे कस्टमर जा रहे हैं, अभी रात का टाइम हो चुका है ना। ओके तो सारे कस्टमर बेकार निकले, अभी हम लोग चल रहे हैं सोने के लिए। कल सुबह वापस से स्टार्ट करते हैं यही काम, क्योंकि हमको कमाना है $1,000,000। तो गाइस मैं पोर्श को अब 3,00,000 का ही सेल करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर्स आ नहीं रहे अच्छे वाले। तो शायद नहीं यार, ये तब भी नहीं ले रहे, मतलब इतने बेकार कस्टमर आ रहे हैं ना इस बार। ये वापस से देखते हैं कि कितना लेगी। 2,05,000, अच्छे कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। बहुत इतने सारे कस्टमर आ रखे लेकिन कोई भी ना 3,00,000 में भी नहीं बिक रही। ओके पहली गाड़ी बिक चुकी है पोर्श, और दूसरा भी ट्राई करते हैं। 3,00,000 में ही बिक रही, ऊपर बिकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, वेट करना पड़ेगा। ये नहीं 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 ओके तो इसका जो हाईएस्ट प्राइस था उसमें सेल हो चुकी है पहली गाड़ी। फरारी का कोई कस्टमर नहीं है, इसका देखते हैं। ये भी नहीं बिक रही बहुत देर से, अच्छे कस्टमर नहीं आ रहे ना क्योंकि। तो 1,10,000, ओके 1,25,000, ओके ये भी बिक चुकी है। चलो अभी धकाधक गाड़ियां बिक रही है। तो एक बंदा रखा जो ऑफर दे रहा है $4,49,000 का, तो मैं उसको 5,15,000 बोल रहा हूँ। इसके बाद मैं सीधे 5,00,000 ले लिया। 5,15,000 के हम लोगों ने सेल करी है सबसे महंगी गाड़ी फरारी को। इसके बाद हम लोग 30 तक भी कर सकते हैं उसको आराम से। ओ मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, हम लोग तो ऑलरेडी 1,000,000 गाइस क्रॉस कर चुके हैं। ओके तो वापस से हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं बेचने का, बट ये बंदा भी नहीं खरीद रहा है। तो अभी ना इसको 3,00,000 में बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पोर्श को, जबकि मैंने बेचा हुआ है बहुत बार, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अच्छे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो लेने को तैयार है ही नहीं। एक और कस्टमर आ रखा है, ट्राई करते हैं कि क्या ये बंदा लेगा। मैं इसको बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं बेचने वाला, नहीं इससे तो हमारी हो चुकी ना। तो गाइस रात होने वाली है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। कस्टमर्स तो आ रहे हैं बट ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं आया जिसने मेरे को अच्छा रेट दिया है। तो अब मैं डिसाइड कर रखा है मैंने कि आज इसको हम लोग नहीं बेचते, इसको हम लोग बाद में बेचेंगे, क्योंकि जबरदस्ती ना सस्ता बेच के फायदा नहीं। मुझे पता है 3,00,000 आराम से मिल जाते हैं इसके $1 कम, बट कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं था जो इतना इसको देने को तैयार था। तो मैं इसको डिसाइड करा कि आज इसको नहीं बेचते। हमारे पास दो कार्स हैं अभी, जिसकी एक जो वर्थ है कम से कम 5, इसमें आपको बाई वाला प्राइस दिखाता हूँ। ये गाड़ी है 5,23,000 की, ठीक है, जो आराम से 7,00,000-8,00,000 तक बिक जाएगी। और ये वाली जो गाड़ी है 3,00,000 की बिक रही है। तो अभी हमारे पास हम लोग 2,000,000 के कमा सकता है अगर इन दोनों को बेचे, बट मैं उसको तो नहीं बेचने वाला, वो हमारी कलेक्शन में ऐड हो चुकी है क्योंकि आप लोगों ने सजेस्ट किया कि वो रेयर गाड़ी है। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे $1,000,000 कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। नंबर देखो कितना बड़ा लग रहा है, अब हम बहुत प्रॉफिट करने वाले हैं धीरे धीरे करके। अब हम अपना ऑफिस बड़ा करेंगे, कार्स और ज़्यादा बाई करेंगे। तो फिलहाल आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग के वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।